नमस्ते दोस्तों, शर्मा एलसीडी एलईडी टीवी सर्विस आपकी से मैं विक्रांत शर्मा। दोस्तों मेरे पास आज एक सोनी का सेट आया जिसमें मैंने पाया कि पिक्चर तो आ रही थी मगर नेगेटिव पिक्चर आ रही थी और वर्टिकल बार्स आ रहे थे। तो मैंने पाया उसमें कि 3.3 वोल्ट बन रहा था और VGH में कुछ वोल्टेज जैसे 5 वोल्ट बन रही थी। तो मैंने IC चेंज किया DC, फिर भी सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लास्ट में मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एक अलग से स्क्वायरल PCB डाला जाए। उसके बाद मैंने अलग से स्क्वायरल PCB डाला और उससे सारे वोल्टेज को कनेक्ट किया ओरिजिनल PCB से, और जैसे हम देख सकते हैं VGH, VGL, VCOM, VGHF सारे वोल्टेज डालने के बाद इसमें एक और फॉल्ट मिला। साइड कॉप में VGH वोल्टेज नहीं जा पा रहा था, जिसे मैंने एक जम्पर के थ्रू कनेक्ट किया। आप देख सकते हैं कि हमारा सेट बिल्कुल न्यू कंडीशन में चालू हो गया। थैंक यू।